नमस्कार, ये तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं और तस्वीर में आप देख रहे हैं फिर से आशीष उर्फ जो सिंघम के नाम से मशहूर कॉन्स्टेबल है, वो फिर से पानीपत में आ गया है। हालांकि कई दिनों से इनकी ड्यूटी यहां पर लगी है। आप देख सकते हैं कि संजय चौक से लाइव तस्वीरें हैं। इंसार बाज़ार बिल्कुल साफ था, सनोली रोड बिल्कुल साफ़ कर दिया और अब रोड के ऊपर ये आए हैं। इसलिए हमें बता दें कि ये गाड़ी है, ये नो पार्किंग होती है, दिन के टाइम नो पार्किंग में इतनी बड़ी गाड़ी जो है एंट्री नहीं कर सकती, लेकिन ये पीछे से नो एंट्री में गाड़ी आ रही है। पीछे से किसी ने नहीं रोका और आगे आशीष कुमार की नज़र पड़ी और इसने रोक लिया। इनसे पूछेंगे और कि क्या क्या ड्यूटियाँ आप ये करेंगे वो भी जानकारी लेंगे। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि सिंघम की लोग सिंघम को चाह रहे थे लोग दोबारा वापस आए, क्योंकि सिंघम के जाने के बाद वही व्यवस्था शुरू हो गई थी। शहर में जाम लगने शुरू हो गए थे, अतिक्रमण होना शुरू हो गया था, लेकिन अब सनोली रोड, इंसार बाज़ार, जाटर रोड ये पूरी तरह जो है साफ कर दिए गए हैं। अब जो है ऐसे मामलों में एक बार फिर से इनकी ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि कुछ दिन पहले इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और मामला फिर से वही दब गया था और अब जो है फिर से ये अपनी ड्यूटी पर है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि उस ऑफिसर को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है। और तभी हम लोग जो है बार बार आशीष को दिखा भी रहे थे और नतीजा ये निकला, जब हम लोग किसी अच्छे अफसर को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे कर्मचारी को अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें हौसला और बढ़ जाता है काम करने का। और आज इसी को लेकर फिर से हम लोग दोबारा सिंघम से बातचीत करेंगे। सिंघम नाम से मशहूर आशीष कुमार पानीपत में नहीं, हरियाणा में नहीं, देश में नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड में सिंघम को देखा जाता है इस समय। और क्योंकि सिंघम के नाम से वाइसो पानीपत में ये मशहूर है और इनका काम करने का तरीका जो है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं, कहाँ से आ रहे थे? सर मैं पानीपत ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहा था सर। अंदर कैसे घुस गए? सर गलती से घुस गया जी। सर ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोका नहीं पीछे कहीं? सर पीछे कोई नहीं मिला साहब, जिला साहब मिले, सामने रोका, मैंने गाड़ी साइड पे लगा दी। अच्छा, फिर आप बाकी आओगे कि नहीं आओगे? नहीं साहब, कभी नोटी में साहब कभी नहीं घुसेंगे जी। अच्छा। गलती से घुस गए सर। गलती से घुस गए। आशीष भाई आप थोड़ा इधर आओ। कई बार क्या होता है कि जैसे गलती तो इंसान से होती है, अरे छोड़ना भी चाहते हो तो आप मतलब इसको छोड़ दिया, आपने क्या किया? सर नमस्कार। देखो इन लोगों के जो कुछ बेचारे अनजान होते हैं, इनका कोई कसूर नहीं होता। जब विभाग द्वारा 250 जवान लगाए गए हर पॉइंट पे, उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई इनको अगर आ भी जाए तो पीछे से ही इनको वापस घुमा दें, क्योंकि कुछ लोग तो सेटिंग से आते हैं, वो तो पीछे तो मैंने बंद कर दिया था। और अब जैसे चला है, अब लोग ये पुलिस वाले डरते हैं पैसे लेने से। पहले तो मंथली बांध रखी थी, इसलिए थोड़ा ड्यूटी कर लेते थे, वहाँ को आता था पैसे लेके वापस। अब मेरी दोबारा ड्यूटी आने के बाद अब ये ड्यूटी में बिल्कुल लापरवाही कर दी इन्होंने शुरू, क्योंकि इन्हों को पता अगर पैसे लेंगे तो पकड़ेगा आगे। और इसलिए अगर ये बेचारे अब आ गए, इनका क्या कसूर है? इनको पता नहीं, कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं लग रहा वहाँ रास्ते में, और ड्यूटी वाले अपने लापरवाही से या तो बूथ में बैठे रहते हैं या इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं। इनकी इसमें कोई गलती नहीं। आप इनको चेतावनी देकर छोड़ रहे हो? अब ये निर्दोष है, इसको ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं इसको वापस भेजूंगा यहाँ अगले कट सही, ताकि आगे शहर में जाम ना बने और इसका ये बेचारा फाइन से भी बच जाए, क्योंकि इनके बहुत हैवी फाइन होते हैं गाड़ियों। ये अच्छी बात है, कहीं पर चलो गलती हो जाती है इंसान से, और ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि घुमा के वापस तो भेज रहे हो, चेतावनी भी दे रहे हो। भाई गरीब आदमी कितने का चलान भरेगा, ये भी बात ठीक है। हाँ हाँ ये तो है। और मैं सभी से अपील करता हूँ, पुलिस वालों से भी, भाई ड्यूटी करो, अपने चौकों पर अलर्ट रहो, ताकि नो एंट्री व्हीकल घुसने से पहले ही वापस कर दिया जाए और शहर को जाम की स्थिति का सामना ना करना पड़े। और इन बेचारे गरीब लोगों को भारी भरकम चालान की जुर्माना राशि से निजात मिल सके। अच्छा, आपकी ड्यूटियाँ आप क्या क्या करने में लगाई है? पिछले कई दिनों से गायब चल रहे थे, ऊपर से दबाव आ गया था, क्या हो गया था, पर अब आपकी ड्यूटियाँ क्या क्या हैं? अब सर इस जोन में सनोली रोड और बाजारों की तरफ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं अधिकारियों के द्वारा, और
अब धीरे धीरे 50% कैपेसिटी में ही कार्य मैं कर रहा हूँ इस वक्त। जैसे जैसे आगे त्यौहार आएंगे, अफसरों के आदेश होंगे, मैं पूरी 100% से अपनी कैपेसिटी से ड्यूटी करूँगा। लेकिन उल्टे सीधे पंगे तो नहीं करोगे? देखो सामने आ गया ना कोई उल्टा काम करने वाला, उसके उसको तो छोड़ने वाला नहीं, चाहे बदली 100 बार हो जाए, कुछ भी हो जाए। लोगों को वैसे मैं कोई परेशान नहीं करता, बस सिर्फ लोगों को एक आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, रास्ता मिलता रहे, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बस। अच्छा, आपके काम से अफसर खुश नहीं थे कि नेता खुश नहीं थे आपकी बदली होगी? सर हमारे SP साहब बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे आदमी हैं, वो सारी बातें समझ जाते हैं। लेकिन तब देवी मंदिर वाला जो प्रकरण हुआ था, अब पार्किंग कर रहे ऊपर से वो DGP लेवल के अधिकारियों की सिफारिश लगवा रहे SP साहब पे दबाव डलवा के, और उसी वक्त बोला था भाई वापिस आ जाओ, फोन भी आए हैं, SHO के भी आए हैं, वापिस आ जाओ, अफसरों के आदेश हैं। लेकिन गलत काम करने वाले को तो छोड़ना नहीं ना, तो फिर उसका इन्होंने अपना नाजायज फायदा उठाया है। ऐसे लोग जो प्रधान बने फिरते हैं संस्थाओं के, ये क्या है, जो पहले वाले अफसर थे ना वो कुछ दूसरी टाइप के होते थे, कुछ लोग उनको थोड़ा बहुत लालच करके, उनकी बगैर करके, उनके अपने वश में कर रखा है। लेकिन जो नए नए IPS आए हुए हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा ये बताओ, आते ही आपने क्या काम किया, लोग याद कर रहे थे क्योंकि सनोली रोड में अव्यवस्था फैल गई थी, पूरे पानीपत में अव्यवस्था फैल गई थी, एकदम गायब हो गए। अच्छी बात है कि आप दोबारा वापस आ गए, लोगों को राहत मिलेगी। मेरा भी आपसे अपील है कि ज़्यादा उस तरफ ध्यान ना दे के दूसरे जो ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दो। वो जो विभाग का मामला है आप SP साहब को लिख दिया, SP साहब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है जाम की, जाम शहर में पूरा ज़्यादा है। इसके लिए अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं जब से आपने ज्वाइन किया दोबारा? सर मैंने 15 अगस्त के आसपास से ज्वाइन किया है, उसके बाद मैंने सनोली रोड को क्लियर किया है, शिव चौक तक उधर साईं बाबा चौक पूरा क्लियर है, और इधर इंसार बाजार, पचरंगा बाजार, और उधर जो अपना ये अपना कलंदर पीर चौक वाले बाजार, सेठी चौक, उधर तहसील कैंप, देव मंदिर के सामने जो भीड़ भाड़ थी वो अतिक्रमण, उधर बरसत रोड नूर वाला, मेरे हिसाब में 70-80% तक इस साइड में काम हो चुका है। अच्छा, इतनी फोर्स खड़ी रहती है वो तो काम कर नहीं पाती, क्या तरीका क्या है काम करने का, लठ वाला तरीका या आप हाथ जोड़ते हो तरीका? अभी तो मेरे को कोई इशारा नहीं हुआ अफसरों की तरफ से, उस दिन इशारा मिल जाएगा, एक दिन में पूरी फोर्स पूरी अलर्ट होगी, पूरा पानीपत जाम मुक्त होगा चुटकियों में। अरे इतने बड़े बड़े निगम के अधिकारी, इतने बड़े अफसर हैं, मतलब क्यों करवा नहीं पा रहे काम, या इनमें क्षमता नहीं है करवाने की? पता नहीं, हम सब अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, फील्ड में तो कोई देखता नहीं ना, कागजों में खाना पूर्ति करते रहते हैं, इसलिए सारी अव्यवस्था फैली हुई है। नहीं तो चाहे ना क्या क्या माल मिलावटी माल बिक रहा है, अगर आप सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करें ना, किसी की हिम्मत नहीं है शहर में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सके, फूड सप्लाई होली ये हर चीज़ में। लेकिन सब पता नहीं क्यों टाइम पास करते हैं, जिसको सरकारी जॉब मिल जाती है वो सोचता है अपना तनख्वाह लो टाइम पास करो, उसकी बस यही थ्योरी रह जाती है। अच्छा, त्योहारों के लेकर क्या तैयारियाँ कर रखी है आप लोगों ने, त्यौहार आने वाले हैं? अब त्यौहार आने वाले हैं, थोड़ा अफसरों से और डिस्कस करूँगा, और जो मैंने अपनी 50% कैपेसिटी लगाई 50 और लगा दूँगा, 100 लग जाएगी तो अपने आप ही अकेला ही इसको सब जाम नहीं लगने दूंगा। 50 में क्या कैपेसिटी थी और 100 हो जाएगी फिर क्या करोगे? 100 होने के बाद और जो छोटी मोटी जगह बची हैं उनको पूर्ण रूप से साफ कर देंगे, और काम चलाओ तो अब हो ही गया है, जाम तो अब लग ही नहीं रहा है। GT रोडों की तरफ भी रुख करेंगे, इस साइड में भी मॉडल टाउन की तरफ, इधर सभी रोडों पर रुख करेंगे, 50 और होते ही पूरी 100% कैपेसिटी हो जाए। बिल्कुल, आशीष कुमार हमारे साथ थे, लोग याद कर रहे थे, हेड कॉन्स्टेबल हैं पानीपत में,
पिछले दिनों इनका ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि जब कोई अफसर अच्छा काम करता है या कर्मचारी अच्छा काम करता है उसे इनाम में या तो उसका सस्पेंशन होता है या उसका तबादला कर दिया जाता है। तो आशीष का तबादला कर दिया गया था और अब कुछ दिनों से फिर से आशीष को लाया गया है बाज़ारों में, क्योंकि जाम बढ़ता जा रहा था और कोई भी ऐसा अधिकारी या कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं था जो जाम को खुलवा सके। अब इनके पास जादू की छड़ी है या जादू की जब्भी है वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है ये भी जहाँ जहाँ जाते हैं लोग अपने आप जो है जाम को मुक्त कर देते हैं, अतिक्रमण हटा लेते हैं। तो ऐसे अवसर पानीपत में और होने चाहिए ताकि पानीपत जो है जाम मुक्त होना चाहिए। आज अच्छा काम आते ही वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल पर आते ही आज इन्होंने अच्छा काम ये किया, इस भाई का चालान काटने की बजाय इसे प्यार से समझा दिया, शायद उसको प्यार वाली बोली समझ भी आ गई और ये अब ये वापस जा रहा है दूसरे कट से, ये वापस जो है ट्रांसपोर्ट नगर चला जाएगा। लेकिन बड़ी बात कि इतने रास्ते में लोग खड़े होते हैं, पुलिस खड़ी होती है एंड जो ट्रैफिक के जवान हैं वो खड़े होते हैं, नो एंट्री में कैसे ये घुस गया और आशीष और सिंघम की नज़र कैसे पड़ गई। होना तो ये चाहिए था कि उनकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी नज़र नहीं पड़ी या वो नज़र नहीं डालना चाहते थे, वो तो वही जाने। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और आपको फिर से बता दें सिंघम की वापसी पानीपत में हो गई है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।